हेलो फ्रेंड्स, माय गुरुजी का खालसा, माय गुरुजी की फतेह। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस देखिए सुबह सुबह कितनी कदर मचा रखा सबने। वैसे तो सारा काम हो गया, लेकिन अभी देखिए सब लोग देखो क्या कर। दिया के पापा ने मुझे मारा था ऐसे ही, मजाक कर रहे थे गाइस। तो इन्होंने आई बाबू मुझे बचाओ, आई बाबू बचाओ, बाबू बचाओ, बाबू बचा लो। अब नहीं छोड़ेगी। अब देखो दोनों बच्चे पापा के पीछे पड़ गए। इन्होंने मेरे को जो हाथ लगाया है, बाबू बाबू बाबू। ठीक है, चुप हो गई। मेरे बाबू आई बाबू मार दिया। आज तक की खैर नहीं, इन्होंने मेरे हाथ कैसे लगाया। ठीक आती बाबू मुझे मारा था। आई 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 बाबू आई तुम बचा ले। हो गई सही है, खेरे सही है। पापा रो रहे हैं बाबू। चलो ना, कोई प्यार गादी करेगी। मार दी मेरे, मारा था इसलिए ना। सुई लगा दी, मार दी, सही है। आपने मुझे मारा था ना, हाँ जी मार दी। आई अमित का फोड़ दिया मुंह दिया के बच। और दिया पापा की लग गई, पापा जी ने रख दिया ऊपर, अब नहीं मिलेगा किसी को भी। रख दी, अब क्या करें। मारा तो गया, फिर भी खुद ही रोके दिखा। मुझे सारा बनाते हैं बच्चों से बचने के लिए। आज तो खैर नहीं है, बोल दो दोबारा नहीं करना। हाँ जी मार दी, पापा को मार दी ना, अब जाके उसको ठंडक पहुंची। तो गाइस मेरा अमित का तो बुरा हाल कर दिया बच्चों ने। बालों के लिए कलर भी घोल रखा था, वो कलर भी ऐसे ही रखा रह गया। ये देखिए मेरे बच्चे इतना ज्यादा शैतानियां कर रहे थे अपने पापा के साथ, तो के कलर भी रह गया। चलो मैं कलर लगा देती हूँ अमित के पहले। तो गाइस मैंने देखिए भूल बना लिया, मैंने हाथों में ग्लव्स नहीं मिल रहे थे, बहुत देर से ढूंढ रही थी, मैंने पन्नियां बांध दी दोनों हाथों में। तो बस अब ऐसे ही करने वाली हूँ अमित के। अमित आ जाओ, और गाइस देखिए कितनी बड़ी बंदूक लेके सबको गोली मार रही है। ओए गॉड, ओए तू मत मर जा। आ देखो ये गाइस मैं गोली मार रही हूँ और तू मर जा। ठा आ मर गई मैं, इतनी बड़ी गोली, बाप रे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बड़े दीदी के पास, उनकी बेटी है एडमिट महावीर हॉस्पिटल में, तो हम वहीं जा रहे हैं उसको देखने के लिए।
किसी को देखने चल रहे हैं ना, तो दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं। सात्विक भी रेडी है। मम्मी होती तो मैं बच्चों को यहीं छोड़ के जाती, लेकिन अब बच्चों को लेके जाना पड़ेगा क्योंकि मैं कल से नहीं गई हूँ, दो दिन हो गए दीदी की बेटी को, और मैं नहीं गई हूँ। एक ही बार गई थी, उसके बाद मैं अभी तक नहीं गई, तो मैं एक बार और हो जाती हूँ, फिर जब मम्मी आ जाएंगी जब ही जाऊँगी। इसको कीड़े लग जाते, चलो तो मानो गंदी हो जाते हैं स्कूटी देकर, इतना जगह बना हुआ है, गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं। बाय कीड़ा, हर जगह मकान ही बन रहे, रेत ही रेत है, सब जगह मिट्टी की वजह से पूरी स्कूटी खराब हो जाती है। आगे ना मौसी के पास चलो हॉस्पिटल में, आगे गए जाओ, चलो नन्नू अमिता तू भी छोड़ देते ना, डरता फिर आ जाते, आ जा स्कूटी बंद करके एक मिनट के लिए, चलो। हेलो खुशी, बीमार हो गई तू भी, अब आराम है? नमस्ते मौसी, मौसी के पास नहीं जा रही। क्या हो गया था खुशी, टाइफाइड हो गया था है? बाय। दीदी कह रहे नहाने के लिए, बस सोच रही हम छोड़ कर चले जाएंगे बाबू, इसके साथ चल रहे, चल रहे चल रहे बाबू, हम मौसी नहीं चल रही अपनी, मौसी नहीं लेगी हमें, मौसी के पास नहीं जाएंगे हम, घाव कर दियो। क्या हो गया, क्या हो गया, सदमा आ गई। चलो भाई बैठो, चलो ऐसे मतलब कुछ मंगाना होगा तो फिर मैं ही आऊंगा, तो छोड़ दो। हाँ ठीक है ना, हाँ बच्चन को लेकर वो कौन आऊंगी अब। बाय खुशी, दीदी बोल, बाय खुशी, और तू दीदी बोल, दीदी बाय, दीदी तो बोल दे, या तो कोई बोलेगी, जा रहे थे तो रास्ते में आ गया पार्क, तो पार्क लेके जा रहे हैं बच्चों को झूला झूलने के लिए, इधर आ जाओ, चलो सात्विक इस पे आओ, इस पे चढ़ो, दिया झूला झूलेगी, किस पे झूलेगा बेटा, दिया के लिए छोटे वाला, हाँ येलो वाला। सात्विक इधर आ जाओ, ये देखो कैसे वाले झूले पे गए, इधर आ जाओ, दिया को लग रहा है डर क्योंकि उन्होंने तो बहुत बार झूल चुका है, इसको डर लग रहा है, झूले झूले, पापा जी हैं, पापा जी हैं साथ में, ऐसे मजे आ रहे, सामने देखो इधर देखो मेरी तरफ, ओह मेरा सोना तो बहुत अच्छा लग रहा है, आ जाओ आ जाओ, अच्छा अच्छा अब डर निकल रहा है, आ जाओ कह रही है।
चलो अब चलते हैं अपने घर, सीधा घर ही जाएंगे। अब आ गए हम घर पे, अभी भी आए हैं जी, ऐसे सुकर के आ गए बस। अब जोत जला लेती हूँ, 7:30 बज गए। तो गाइस खाना खाने का टाइम हो गया है और खाने में आज है चावल। तो गाइस खाना खाने का टाइम हो गया है, चावल बने हैं, दाल सुबह बनाई थी वो बची थी, और आलू बनाए थे बच्चों के लिए क्योंकि दाल नहीं खा रहे थे, और साथ में लस्सी। आइए खाना खाइए, आदम नीचे खा रहे हैं, बहुत गंदा कर देते हैं बच्चे बैठ के लिए। तो गाइस बस अब सोने लगे हैं, खाना ना खाने के बाद मैं सफाई करने लगी थी रसोई की, तो इतनी देर में बच्चे सो गए दोनों ही, देखिए दोनों के दोनों सो गए। तो बस अब हम भी सोने लगे हैं, सुबह जल्दी उठना है। तो इस ब्लॉग का एंड में यही करें, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाय बाय।